मेरे नियोजित शिक्षक साथियों नमस्कार। चलिए शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए किए हुए वादों के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 5 का ईबीएस का कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यूज, जिसमें आज हम लोग ईबीएस के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। तो चैप्टर 2 में कंप्लीट नोट्स होगा और उससे रिलेटेड सभी एमसीक्यूज को देखेंगे जो हाल फिलहाल के पैटर्न को फॉलो करते हुए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें कंप्लीट सिलेबस और चैप्टर 1 को मैंने कवर किया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए ये हमारा बुक का चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 ईबीएस एनसीईआरटी बुक से। देखिए उसमें सांप के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सांपों को तो कालबेलिया जाति के लोग पालते हैं। ये ध्यान देना है कौन सी जाति, कालबेलिया जाति के लोग पालते हैं। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में सांप प्रदान किए जाते हैं, यह कौन से समुदाय या फिर जाति के लोग होते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आपका आंसर होगा कालबेलिया जाति। इसके इनके कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, यानी कालबेलिया जाति में जो डांस होता है उसमें भी सांप वाला मुद्रा में डांस किया जाता है। ओके, ध्यान रखना है केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने तरह के सांप जहरीले होते हैं, तो आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके के। वो नाम भी आपको याद रखना है, पहला है नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है दोबैया और चौथा है हमारा अफाई सांप। दी हा अफाई सांप, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा हो उसे तुरंत सीरम नामक दवाई देनी चाहिए। कौन सा दवाई, सीरम नामक, याद रख लेना है। क्या, सीरम नामक, नोट कर लीजिए, सीरम नामक दवाई का प्रयोग करना चाहिए। और इसी, यह दवाई किससे बनता है, तो सांप के जहर से ही सीरम दवाइयां बनाई जाती है। तो इस तरह के इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं लगा मुझे, क्योंकि यहां सांप के बारे में 2-3 बातें ही है, छोटा सा चैप्टर था तो इसमें कुछ भी नहीं है। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। देखिए भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, तो अभी जस्ट हमने आपको बतलाया कि कितने तरीके के सांप होते हैं जहरीले। देखिए 4 तरीके के, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि किस नृत्य शैली में सांप की चाल के समान चाल होती है, ये क्वेश्चन है। तो यहां देखिए भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया, जस्ट अभी हमने आपको बताया कि कालबेलिया में नृत्य की शैली सांप के चाल के जैसी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बीन बजाने पर कौन सा जानवर नाचता है, ये सभी जानते हैं कि सांप ही इसका आंसर होगा, बीन बजाने पर सांप ही नाचते हैं। ओके, सांपों के जहरीले दांतों को डैश कहा जाता है, तो नुकीले दांत कहा जाता है, ये तो बहुत ही आसान है। कह रहे कि सांप काटने की दवा किससे बनाई जाती है, तो सांप के जहर से ही सांप काटने की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सांप किसानों के मित्र क्यों होते हैं, तो वे चूहे खाते हैं, वे फसलों को खाते हैं, वो कीड़ों को खाते हैं, या ये सभी। तो ध्यान रखना है ये आंसर नहीं होगा कि वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, वे चूहों को खा जाते हैं और चूहों को खा जाने के बाद उसके फसलों की रक्षा हो जाती है, इसीलिए वो उनके मित्र होते हैं। ओके, तो याद रखना है ये आंसर। और नेक्स्ट है सरकार जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है, क्यों बनाया है,
क्योंकि जंगली जानवर को पकड़ने पर रोक लगाने पर, शिकार पर रोक लगाने पर, उनके शरीर के अंगों को बेचने पर रोक लगाने पर, तो जी हाँ ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि एक सपेरा सांपों को रखता है, किसमें रखता है, तो सभी जानते हैं कि बांस की टोकरियों में सांप को पालते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि उस संगठन का नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, उस संगठन का नाम बताइए जो जानवरों के कल्याण के लिए काम करती है, तो उसका नाम है पेटा। क्या है, याद रखिए, पेटा, PETA, पेटा। ये जानवरों के नैतिक उपचार वाले लोग इसमें सम्मिलित हैं। ओके, तो इस तरह से ये छोटा सा चैप्टर एनसीईआरटी का, ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में जल्द ही मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 लेकर आऊंगा, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।